अस्सलाम वालेकुम वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सर। इस वीक मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन थे और मार्केट में थोड़ा सा डॉलर साइड पे देखना होगा। रुपी जो एक हमारा कंसर्न इनका कंटिन्यूस की डील है, टीएलपी का जो धरना इस वक्त चल रहा है वो अभी कुछ कंसर्न जो डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट के साथ साथ कोल की प्राइसेस एक कंसर्न है। सबसे पहले एक मैक्रो, लेकिन इन द मीडियम टर्म जब तक इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। ये वीक भी लास्ट वीक जिस तरह कुछ गुजरे हैं उनकी तरह ही रहा और मार्केट जो है बिल्कुल एक डल वॉल्यूम के साथ जो है ट्रेडिंग होती रही और मार्केट के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी नेगेटिव बन गए। ओवरऑल पूरे वीक में मार्केट जो है लास्ट वीक से तकरीबन 400 से ज़्यादा पॉइंट्स का जो है वो हमने देखा कि डिक्लाइन आया के सी 100 इंडेक्स के अंदर और हमारा जो इंडेक्स है 45,000 के ऊपर जो है वो बंद हुआ। कुछ रीज़न या कुछ स्टोरीज जो डेवलप हुई पूरे पिछले कुछ लास्ट वीक के अंदर या जो वीक चल रहा है इसके अंदर, इसमें यह था कि सबसे पहले रशिया और यूक्रेन की जो एक वार का सिनेरियो क्रिएट हुआ और एक जिस तरह की न्यूज़ चल रही थी कि शायद इन दोनों की वॉर हो सकती है और उसकी वजह से जो है एनर्जी की सप्लाई चेन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। और हमने ये चीज़ देखी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस जो हैं एक 6 or 7 ईयर्स हाई के ऊपर जो है वो चले गए। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वॉर जो है वो किसी वक्त भी हो सकती है, जिसकी जिस तरह के ट्वीट्स चल रहे थे और जिस तरह जो है उसकी रिपोर्टिंग वगैरह हो रही थी, लेकिन एट द एंड जो है वो ये देखा कि हमने कि ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए गए और काफ़ी हद तक जो है वो मामला जो है वो सेटल डाउन हो चुका है। उसके साथ साथ सेनेट के अंदर जो है एक ओग्रा से रिलेटेड बिल पास हुआ और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस जो है उसके ऊपर एक प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर अब जो गैस की प्राइसिंग होगी जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है। अगर सर्कुलर डेट गैस के सर्कुलर डेट के हिसाब से देखा जाए इसके बेनिफिशियरी हो GDCP, PFPSO और आगे जाके हमारे SSGC, SNGP जो है वो उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। थोड़ा सा इस पर अगर बात करें तो थोड़ा सा व्यू ये है कि जिस तरह हमारी लोकल गैस है जो एक बहुत कम कीमत पे हमें मिलती है और हम सबको पता है कि हमारे लोकल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो जो है वो काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं और गवर्नमेंट RLNG इम्पोर्ट करके जो है वो नीड को पूरा कर रही है। तो अभी भी कुछ पंजाब साइड पर या उन एरियाज में जहाँ पे गैस की शॉर्टेज है वहाँ गवर्नमेंट जो है वो RLNG डोमेस्टिक रेट पे दे रही थी, क्योंकि इससे पहले जो है अमेंडमेंट करना ज़रूरी था। तो अब जो है ये होगा कि जितनी भी परसेंटेज टर्म्स में 70-30 का रेशियो होगा, 70% जो है RLNG होगी, 30% जो है वो लोकल गैस अगर इस्तेमाल होती है तो उन दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस बनेगा और उसके साथ साथ इसी रेट पर जो है वो कंज्यूमर को बिल होगा। तो आगे जाके देखना होगा कि टैरिफ ये जिस जब ओगरा से एक फाइनल जाहिर सी बात है टैरिफ सेट होगा और टैरिफ जब सामने आएगा तो उसका इम्पैक्ट या उसका बेनिफिशियरी जो है कौन कौन हो सकता है। लेकिन जो हमारी SSGC, SNGP जो हमेशा जिनकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट या प्रिस्क्राइब प्राइस ज़्यादा होती है और उनको जो गैस प्राइस जो अप्रूव होती है वो काफ़ी कम होती है और इवन क्योंकि प्रेशर ना जाए और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट का बाज़ दफ़ा जो है प्राइस भी पास ऑन नहीं करती है। तो ये चीज़ जो है एजिस जो है काफ़ी हद तक जो है सेटल डाउन हो जाएगी और मेरे ख्याल से जो गैस का सर्कुलर डेट पाइलअप हो रहा था जिसकी वजह से PSO का कैश फ्लो भी डिस्टर्ब हो रहे थे और ऐसे ODDC और PPL के कैश फ्लो भी डिस्टर्ब हो रहे थे वो शायद काफ़ी हद तक जो है वो ईज हो सकते हैं अगर ये इसी तरह चीज़ें चलती हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल से रिलेटेड जिस तरह पाकिस्तान में एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और आगे जाके नेक्स्ट वीक से जो है वो एक लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है और नेक्स्ट वीक भी जो है नेक्स्ट मंथ भी जो है वो लॉन्ग मार्च और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो है एक तहरीक भी वो चल रही है, उसे एक लाने की तैयारी हो रही है। तो ये सब चीज़ें जिन्होंने मार्केट को इफेक्ट किया। इवन दो के जो अब सब कॉर्पोरेट रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और हमने देखा कि कुछ कंपनीज ने एक्सेप्शनली काफ़ी अच्छी अर्निंग की और इवन कुछ कंपनीज ने काफ़ी एक्सेप्शनल जो है वो डिविडेंड भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मार्केट उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था। इस वक्त मार्केट जो है अपने एक हिस्टोरिकल लोअर PE पे जो है ट्रेड हो रही है और काफ़ी अट्रैक्टिव जो है वो वैल्यूएशन नज़र आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कुछ ट्रिगर की जो है एब्सेंस है इस मार्केट के अंदर या लोग इस वक्त इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि जिस तरह मार्केट की सिचुएशन है कि मार्केट ज़रा सा परफॉर्म करने लगती है और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो उसके अंदर नज़र आ जाती है। नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है और मेरे ख्याल से रिजल्ट सीजन भी क्योंकि कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीक भी, तो मार्केट मोस्ट पॉसिबली अगर कोई ड्यूरिंग द वीकेंड कोई न्यूज़ ट्रिगर या कोई पॉजिटिव ट्रिगर जो है नहीं आता तो मार्केट नेक्स्ट वीक भी जो है इसी तरह परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। मेरे ख्याल से आगे मार्केट को परफॉर्म करने के लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर की ज़रूरत है जो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट करे और
इवन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़रूरत है कि वो मार्केट को सपोर्ट करें और मार्केट जो है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है एक पॉजिटिव वे में जाना शुरू हो। इवन आज जो वीक का जो एंड है जिस तरह मार्केट ने परफॉर्म किया और मार्केट में वॉल्यूम्स के साथ जो है वो हमने देखा कि पॉजिटिव मार्केट जो है पॉजिटिव नोट के ऊपर बंद हुई। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद नेक्स्ट वीक जो है वो जो मंडे मार्केट खुलेगी शायद पॉजिटिव नोट के साथ खुले, लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी जो है किसी पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव ट्रिगर की ज़रूरत है जिसकी वजह से मार्केट जो है एक कंटिन्यूसली जिसे हम कहते हैं कि अच्छा परफॉर्म अगर करे या अच्छे वॉल्यूम हो तो उसके लिए एक कोई ना किसी ना किसी जो है पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अच्छे स्टॉक्स में रहते हुए अच्छे स्टॉक्स में काम किया जा सकता है जो ब्लू चिप आइटम है जो कंटिन्यूसली डिविडेंड देते हैं या जिसका इफेक्ट जो है इतना ज़्यादा मार्केट मूवमेंट के ऊपर नहीं होता, उन स्टॉक्स में जो है वो एंट्री लेके काम किया जा सकता है। थैंक यू।